हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं। लेकिन गाइस, आज की वीडियो के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं कल के वीडियो के लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि गाइस मैंने कल के वीडियो में बुल्गारिया के फ्लैग को रशिया का फ्लैग कह दिया था और उस वीडियो में मैंने एक दो गलतियां और की है। लेकिन गाइस, अब हो चुका वो हो चुका और पिछली गलतियां भुलाकर आज हम बात करते हैं आज की वीडियो की। और गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जॉन मॉक्सली और ट्रिपल एच की एक स्टोरी, और हम बात करने वाले हैं केन वेलास्केस और AEW की सिचुएशन के बारे में, और जानने वाले हैं कि क्यों मिल रही है मैट हार्डी को बैकलैश, और जानने वाले हैं कि फायर होने के बाद पहली बार एरिक रोवेन ने AEW कंपनी के बारे में क्या कहा है, और जानने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स। तो गाइस, अब यहां पर ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मैट हार्डी की और जानते हैं कि क्यों मिल रही है मैट हार्डी को बैकलैश। तो गाइस, आपने डबल और नथिंग पेपरव्यू का मेन इवेंट यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग का बहुत ही बेहतरीन सिनेमैटिक मैच यानी स्टेडियम स्टैम्पिड मैच अगर देखा होगा तो गाइस आपने ये नोटिस किया होगा कि गाइस उस मैच में मैट हार्डी एक बार स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद हमें मैट हार्डी के बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपने ये मैच अभी तक नहीं देखा तो गाइस आप ये पूरा मैच एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि गाइस मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में ऑल एलीट रेसलिंग का ये पहला स्टेडियम स्टैम्पिड मैच फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस, मैं चाहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो गाइस आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइस वो मैच एक बहुत ही बेहतरीन सिनेमैटिक मैच था। लेकिन गाइस, यहाँ पर मैट हार्डी के स्विमिंग पूल के इंसिडेंट के बारे में काफी सारे लोग नाराज है, क्योंकि गाइस यहाँ पर लोगों ने शैड गैस्पर्ट का मुद्दा उठाया है और यहाँ पर शैड गैस्पर्ट को लेकर उनके फैंस और उनके दोस्त ये कह रहे हैं कि मैट हार्डी को ये इंसिडेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैट हार्डी भी जानते हैं कि शैड गैस्पर्ट की मौत पानी में डूबकर हुई है और यहाँ पर इस मैच में एक बार के लिए तो मैट हार्डी अपनी सांस रोककर ऐसे पड़े थे जैसे कि वो मर गए हैं। और यहाँ पर इसी चीज को लेकर शैड गैस्पर्ट के फैंस की तरफ से और शैड गैस्पर्ट के दोस्तों की तरफ से मैट हार्डी को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलने को मिल रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पर उनका कहना यह है कि हमने शैड गैस्पर्ट को डूबने की वजह से ही खो दिया है और आपने डूबने का इंसिडेंट अपने मैच में दिखाकर हम सब लोगों की फीलिंग्स हर्ट किए हैं। लेकिन गाइस, अगर यहाँ पर हम इस बात को प्रैक्टिकली देखें तो गाइस यहाँ पर इतने बेहतरीन मैच को भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो शैड गैस्पर्ट का मुद्दा उठाकर इस मैच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि मैट हार्डी ने उस मैच में कहीं पर भी शैड गैस्पर्ट को मेंशन किया था। लेकिन गाइस, लोगों को जो कहना है वो लोग कहते हैं, और आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स की। तो गाइज, यहाँ पर TNT चैंपियनशिप को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के ओरिजिनल प्लान्स रिवील हो चुके हैं, और यहाँ पर TNT चैंपियनशिप को लेकर ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देने वाले थे। लेकिन गाइज, यहाँ पर रे फिनिक्स स्टिल इंजर्ड होने की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने ये प्लान्स चेंज कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रे फिनिक्स की जगह कोई और रेसलर चैलेंज करने वाला है। गाइज, अगर रे फिनिक्स सही सलामत तो गाइज हमें रे फिनिक्स वर्सेस कोडी ये बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता था। लेकिन गाइज, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली रे फिनिक्स इंजर्ड हो चुके हैं और हमें कोडी वर्सेस रे फिनिक्स ये बहुत ही बेहतरीन मैच नहीं देखने को मिलने वाला। लेकिन गाइज, हम होप करते हैं कि रे फिनिक्स को जो कोई रेस्लर रिप्लेस करेगा वो रेस्लर हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर रे फिनिक्स जैसा ही बहुत ही बेहतरीन मैच देगा। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस, जानते हैं कि WWE से फायर होने के बाद पहली बार एरिक रोवेन ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में क्या कहा है। गाइस, आप भी ये जानते होंगे कि जायंट स्पाइडर जैसी स्टूपिड स्टोरी लाइन के बाद WWE की मास रिलीज में हमें एरिक रोवेन WWE से फायर होते हुए दिखाई दिए थे, और इसके बाद एरिक रोवेन को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन गाइस, यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में एरिक रोवेन ने अपने फ्यूचर के बारे में बातें की है, और गाइस यहाँ पर एरिक रोवेन ने बातें करते हुए बताया कि गाइस फ्यूचर में एरिक रोवेन बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं, और यहाँ पर एरिक रोवेन TNA कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, साथ ही एरिक रोवेन रिंग ऑफ ऑनर और NJPW कंपनी के साथ भी काम करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर एरिक रोवेन ने ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में ये कहा कि गाइज, अगर ऑल एलीट रेसलिंग एरिक यंग को साइन करती है तो गाइज एरिक यंग ऑल एलीट रेसलिंग में अपना 100% देने वाले हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पर खुद से इस चीज पर बात करते हुए एरिक यंग ने कहा कि गाइज यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें एरिक यंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं, और इसका रीजन भी एरिक यंग ने बताया, और इसका रीजन ये था कि गाइज एरिक यंग और लुक हार्पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और इसके बाद भी WWE ने एरिक यंग और लुक हार्पर को एक टैग टीम के तौर पर WWE में शामिल किया था। लेकिन गाइज, रियल लाइफ में एरिक यंग और लुक हार्पर एक दूसरे के उतने अच्छे दोस्त नहीं है जितना कि हमने उन्हें TV पर देखा है,
और यहाँ पर ब्रॉडली और एरिक यंग इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होने की वजह से हमें शायद ही एरिक यंग ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी में दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर इस इंटरव्यू से तो लगा कि एरिक यंग पॉसिबली फ्यूचर में TNA कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज अगर एरिक यंग ऑल इलीट रेसलिंग में आते हैं तो हमें ऑल इलीट रेसलिंग में डार्क ऑर्डर के नए मेंबर के तौर पर एरिक यंग दिखाई दे सकते हैं और ये चीज देखने में भी बहुत ही अच्छी चीज होगी। लेकिन गाइज यहाँ पर एरिक यंग खुद से कह रहे हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग एरिक यंग को साइन नहीं करेगी, लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केन वेलास्केस और AEW कंपनी के स्टेटस के बारे में। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE ने केन वेलास्केस को रिलीज कर दिया है, जबकि WWE ने केन वेलास्केस को एक बहुत ही मेजर सुपरस्टार के तौर पर साइन किया था। लेकिन गाइज यहाँ पर केन वेलास्केस के WWE से रिलीज होने के बाद केन वेलास्केस के बहुत ही अच्छे फ्रेंड यानी कि डेनियल कॉर्मियर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि गाइज हमें केन वेलास्केस ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के थ्रू अपने रेसलिंग करियर को दोबारा से रिबूट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर डेनियल कॉर्मियर का कहना यह था कि अगर केन वेलास्केस ऑल इलीट रेसलिंग में जाते हैं तो गाइज केन वेलास्केस के लिए ये चीज एक नई शुरुआत की तरह होगी। और यहाँ पर स्टेटमेंट केन वेलास्केस के बहुत ही अच्छे फ्रेंड यानी कि डेनियल कॉर्मियर की तरफ से आया है, तो गाइज यहाँ पर थोड़ी फार पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें केन वेलास्केस ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज मैं तो चाहूंगा कि केन वेलास्केस अपने आप को रेसलिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से ढाल ले और इसके बाद रेसलिंग में बहुत ही पक्के सुपरस्टार बनने के बाद केन वेलास्केस ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो गाइज ये चीज केन वेलास्केस के लिए भी अच्छी होगी और ये चीज ऑल इलीट रेसलिंग के लिए भी अच्छी होगी। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि ट्रिपल एच के बारे में जॉन मॉक्सली ने क्या कहा है। तो गाइज हाल ही में जॉन मॉक्सली ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जॉन मॉक्सली से इंटरव्यूअर ने पूछा कि WWE ने ड्रेक मैड्रिक को रिहायर कर लिया है और इस चीज पर जॉन मॉक्सली का क्या कहना है। और यहाँ पर इस चीज पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि गाइज जॉन मॉक्सली ड्रेक मैड्रिक के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है और यहाँ पर जॉन मॉक्सली भी चाहते हैं कि फ्यूचर में ड्रेक मैड्रिक के साथ बहुत ही अच्छी चीजें हो। और ट्रिपल एच ने ड्रेक मैड्रिक को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर बहुत ही अच्छी चीज की है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेक मैड्रिक का सपना था कि वो एक WWE सुपरस्टार बने। लेकिन गाइज यहाँ पर आगे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप ट्रिपल एच के बारे में क्या सोचते हैं और ट्रिपल एच के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। तो गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रिपल एच रियल लाइफ में बहुत ही बड़े जर्क है, लेकिन गाइज जॉन मॉक्सली के रिलेशन ट्रिपल एच के साथ बहुत ही अच्छे हैं और ट्रिपल एच जॉन मॉक्सली के साथ एक फ्रेंड के जैसे रहते हैं, जैसे कि वो शील्ड के अदर दो मेंबर्स यानी कि रोमन रेंस और सेथ रोलिंस के साथ रहते हैं। और यहाँ पर बात करते करते जॉन मॉक्सली ने 2016 के रोड ब्लॉक पेपरव्यू में हुए ट्रिपल एच और जॉन मॉक्सली के मैच के बारे में भी बातें की है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कहा कि 2016 के रोड ब्लॉक पेपरव्यू के लिए डीन एम्ब्रोस वर्सेस ट्रिपल एच ये मैच WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेट था। लेकिन गाइज यहाँ पर इस पेपरव्यू के लिए जॉन मॉक्सली बहुत ही लेट अपीयर हुए थे और जॉन मॉक्सली सीधा मेन इवेंट के 15 मिनट पहले ही स्टेडियम में पहुंच चुके थे। और यहाँ पर इतनी देर होने के बावजूद भी ट्रिपल एच ने जॉन मॉक्सली से कुछ नहीं कहा, बल्कि गाइज जब यहाँ पर जॉन मॉक्सली स्टेडियम में अपीयर हुए तब ट्रिपल एच ने जॉन मॉक्सली को अपने ऑफिस में बुला लिया और यहाँ पर खुद से ट्रिपल एच ने जॉन मॉक्सली से कहा कि तुम इस मैच में क्या करना चाहते हो, कि क्या तुम अपनी तरफ से इस मैच में कोई स्टफ ऐड करना चाहते हो या नहीं। और गाइज यहाँ पर ये चीज जॉन मॉक्सली से पूछकर ट्रिपल एच ने जॉन मॉक्सली को पूरी तरीके से छूट दे दी कि चाहे तो जॉन मॉक्सली इस मैच में उनके पसंदीदा कोई भी स्पॉट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज के लिए जॉन मॉक्सली ट्रिपल एच को बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल एच ही पहले इंसान थे जिन्होंने जॉन मॉक्सली को WWE में पूरी तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम दिया था। और इसके बाद हमने मैच में जो दो स्पॉट देखे थे, पहला तो अनाउंसर टेबल का और दूसरा फाल्स फिनिश का, ये दोनों स्पॉट जॉन मॉक्सली ने इस मैच में ऐड किए थे। और यहाँ पर ट्रिपल एच और जॉन मॉक्सली ने मिलकर ये दोनों स्पॉट भी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किए थे और ये पूरा मैच जॉन मॉक्सली चाहते थे वैसा हुआ। और इस मैच को जॉन मॉक्सली WWE की हिस्ट्री का लास्ट क्लासिक मैच कहते हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि जॉन मॉक्सली और ट्रिपल एच रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त है। लेकिन गाइज फिर भी आखिरकार विंस मैकमैन के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से जॉन मॉक्सली ने WWE छोड़ दी है। और आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर इतने ही अपडेट्स थे। और गाइज होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?